से ही हमारी जर्नी चालू हो गई थी, बिकॉज व्हेन आवर मदर वाज कैरिंग अस तभी भी वहां जाती थी, क्लाइंब्स पे जाती थी, ट्रैक्स पे जाती थी, बाइकिंग करती थी, तो शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग इवन देन. फिर जब हम इस दुनिया में आ गए फाइनली, तो आई थिंक फर्स्ट पीक जो हमने क्लाइंब किया दैट वाज ओके, हमारा समिट नहीं हुआ था, हम 17,000 फीट से वापस आना पड़ा था हमें. पर उस टाइम पे मैं करीब करीब 5 साल की थी और मेरी बहन अदिति 7 साल की थी तब. तो वो हमारी फिजिकली जर्नी की शुरुआत थी माउंटेन लर्निंग की, और थैंक्स टू माई पेरेंट्स फॉर दैट. उसके बाद से अगर लाइफ में आगे बढ़ते जाए तो कहीं ना पेरेंट्स जो कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, किसी के कुछ और हैं, तो वैसे हमारे पेरेंट्स माउंटेनियर थे. तो वो ना देख देख के ना बच्चे सीखते जाते हैं कुछ 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 कुछ, उनके ना सबकॉन्शियस माइंड में आती रहती है चीजें. तो आई थिंक मैं 5th standard में होंगी तब या ऐसा कुछ. सो देयर वाज दिस फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन. तो मुझे ना घर पे पूछा गया कि हाँ भाई तुम्हें क्या बनना है, क्यों कोई सोल्जर बन रहा था, कोई कुछ और बन रहा था. सो ओके आई डोंट इवन रिमेम्बर दिस, दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स टोल्ड मी, कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, बट आई रिप्लाइड कि आई वुड लाइक टू बी बचेंद्री पाल, एंड दैट्स हाउ आई ड्रेस्ड अप एंड आई वेंट टू द स्कूल बीइंग बचेंद्री पाल. तो उस एज से कहीं ना कहीं तो ये दिमाग में शायद आ ही चुका था कि हाँ भाई करना है ऐसा कुछ लाइफ में. मम्मी पापा को भी देख रहे हैं वो पीक्स क्लाइंब कर रहे हैं, मम्मी पापा के फ्रेंड्स थे जो एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो मन में था. अब कॉन्शियसली अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए, स्कूल में बड़े होते गए, तो आई वॉज ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स, इन टू आउटडोर एक्टिविटीज. मैं एथलीट थी, मैं बास्केटबॉल में रही हूँ, वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में, एनी स्पोर्ट यू नेम इट एंड आई वाज इन दैट. मतलब स्कूल में मैं उसकी टीम में थी ही. तो मेरी ना बड़ी इच्छा थी कि मुझे ना मशाल लेके भागना है, मतलब ओलंपिक्स में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया का फ्लैग लहराना है ऐसे खुद पकड़ के. मुझे बहुत ज्यादा ये इच्छा थी. अब हो तो नहीं पाया वो, बट फिर मैंने स्कूल कंप्लीट हुई, कॉलेज कंप्लीट हुई, अब आगे क्या. ये ना सबके मन में सवाल होता है, इतना तो स्टीरियोटाइप्स है सब कर ही लेता है, उसके बाद होता है मेन कि उसके बाद असली जिंदगी शुरू होती है कि अब आगे क्या करना है लाइफ में. तो वो टाइम काफी डिफिकल्ट रहा था डिसीजन मेकिंग के लिए कि क्या करें आगे क्या नहीं करें. सो फाइनली देन वी डिसाइडेड कि क्यों ना माउंटेनियरिंग को ही एज अ करियर लिया जाए. बचपन से किया है, इंटरेस्ट है, ट्रेनिंग ले ली थी ऑलमोस्ट हमने सारी माउंटेनियरिंग की. नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तराखंड में, वहां से हम दोनों ने अपनी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है. तो माय फादर ही केम अप टू अस एंड ही सजेस्टेड अस कि ओके नाउ यू गाइस आर रेडी, वी आर रेडी एज लाइक बीइंग योर पेरेंट्स, हम तैयार हैं कि हम तुम्हें एवरेस्ट से भेजे तुम दोनों बहनों को साथ. अब द कॉल इज इन योर कोर्ट कि तुम डिसाइड करो तुम्हें जाना है या नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये तुम्हारी जिंदगी है, तुमने जीनी है. अगर कुछ हुआ, कुछ हाथ पैर तुमने घुमा दिए, तो वो तुम्हारी लाइफ होगी, तुम वापस नहीं आए तो वो भी इट्स अप टू यू. तो जब पहली बार पापा आए ये बात करने हमसे, तो आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज. मतलब एवरेस्ट क्लाइंब करने से पहले ना ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी बहुत डिफिकल्ट थी कि हाँ कैसे बोले, बस वो हाँ एक बोलने के लिए ही इतने ज्यादा पेन्स देने पड़े हमें. पर वी थॉट अ लॉट, काफी महीने चले गए इस बात होते 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 होते, फाइनली वी वर लाइक हम भी मेंटली प्रिपेयर हो गए, एंड वी वर लाइक यस डैडी वी विल डू इट, लाइक वी आर रेडी फॉर इट इफ यू गाइस आर. तो इस जर्नी में भी हमें काफी दिक्कतें आई, लाइक हम दो ही बहने हैं, वी आर टू सिस्टर्स दैट्स इट. तो काफी लोगों ने बोला पेरेंट्स को भी कि आप दोनों को साथ भेज रहे हैं, मतलब एक एक करके भेजिए. नाउ हाउ डिफिकल्ट इज इट टू डिसाइड अब एक एक करके थोड़ी किसको पहले मन में भेजे काइंड ऑफ अ थिंग. तो ऐसी काफी चीजें लोगों ने बोली कि मतलब दोनों को साथ मत भेजो, यू आर लॉस्ट, आपको पता नहीं है वो वापस नहीं आई तो ये वो. एट दैट टाइम आवर फादर हैड वन थिंग टू से कि इट्स ओके, मुझे पता है, मुझे भरोसा है इन लोगों पे कि ये वापस आएंगी, इतना ट्रेन किया है मैंने उन्हें कि वो अगर नहीं भी हो पाया ना तो दे विल टर्न बैक एंड
सो ओके आई फॉरगॉट वन डिटेल कि आई वाज वेरी स्कैर्ड मी एंड अदिति सो फादर वाज लाइक कि क्या हो गया प्रॉब्लम क्या है शेयर करो. तो बचपन से मेरे साथ ऐसा रहा है कि हर स्पोर्ट में जिसमें भी थी आई वाज नंबर वन. आई मेरा मेडल फिक्स था उसमें एंड आई कुडंट हैव टेकन इट एनी अदर वे. तो मुझे ये एक्सेप्ट करने में बहुत ही डर लग रहा था कि व्हाट इफ नहीं हुआ. तो दैट्स व्हेन आई टोल्ड माय फादर कि पापा नहीं हुआ तो क्या. दैट्स व्हेन ही सेड कि तुम्हें भरोसा नहीं होगा अपने आप पर मुझे है और नहीं भी हुआ तो क्या. फेलियर एक्सेप्ट करना लाइफ में आना चाहिए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये चीज मैंने बहुत लेट सीखी लाइफ में बट आई एम ग्लैड कि नाउ सीख पाई. फाइनली उसके बाद सारे प्रोसीजर्स में वी वेंट फॉर एवरेस्ट. हम बेस कैंप पे पहुंचे. उस बेस कैंप से आगे जैसे कि पता है कि मेजर क्लाइंब चालू होता है तो उसमें भी हमें काफी 2 महीने का पूरा प्रोसेस था वो सूरत टू सूरत जब हमने चालू किया. तो उस प्रोसेस में काफी उतार चढ़ाव आए हैं हमारे लिए. और वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि हमारी पूरी टीम में ना 24 लोग थे जो एवरेस्ट क्लाइंब करने वाले थे. उसमें से जब तक हम बेस कैंप पहुंच के 1-2 रोटेशन किए तब तक हम 16 लोग बचे थे. अब उन 24 लोग में से 9 लड़कियां थी हम और वो 9 लड़कियों में से एक भी लड़की छोड़ के नहीं गई थी. बाकी जितने भी छोड़ के गए थे सारे मेल्स. सॉरी नो ऑफेंस गाइस पर यार ऐसा था कि आई थिंक लेडीज आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर इन हेल्थ. फिजिकली शायद कहीं मार खा जाती होंगी पर आई थिंक मेंटली लेडीज बहुत ही स्ट्रांग होती है मेंस से. तो आई थिंक वी शुड टेक प्राइड इन दैट. बाकी अगर इसकी चैलेंजेस में व्हेन वी वर क्लाइंबिंग अप तो जैसे कि हमें पता ही होता है कि एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हैं तो सुना होता है पता होता है हो सकता है किसी की डेथ हो जाए अपने साथ वालों की. हो सकता है किसी को देखना पड़े जिस जो नहीं रहा है जो क्लाइंब करने जा रहा था. ये सब सुना होता है पर जब क्लाइंब कर रहे होते हैं एंड जब वो सिचुएशन फेस टू फेस हो जाती है ना तो बात पूरी अलग होती है. जैसे मुझे याद है हम रोड से फेस क्रॉस करके ऊपर जा रहे थे. सब क्लाइंबर्स को पता होगा ये जगह. तो वहां दूर कुछ पड़ा हुआ था. वी वर लाइक आई थिंक इट्स अ बैग. हमें ऐसा लग रहा था दूर से. जैसे जैसे हम पास जाते गए वी रियलाइज कि ये किसी की बॉडी है. और वो मोमेंट होती है जो ओवरकम करनी बहुत मुश्किल होती है. उस मोमेंट पे आए खुद से हम काफी टूट से गए थे कि देयर वाज अ बॉडी लाइंग इन फ्रंट ऑफ अस. हमें पता था दैट पर्सन इज नो मोर. उनकी बॉडी अभी नीचे भी नहीं ले गए थे. वो कुछ दिन हो गए थे उन्हें वहां. तो वो पॉइंट था जब बहुत सारे सवाल आ रहे थे दिमाग में कि यार ये हम भी हो सकते हैं. अभी तो हम जा रहे हैं ये चीज करने. कुछ भी हो सकता है. काफी कितनी चीजें होती है लाइक. बट दैट्स द पॉइंट जब आई थिंक मी एंड अदिति एक दूसरे का हम कंधा बने. हम सपोर्ट बने एक दूसरे का एंड वी मूव फॉरवर्ड. ऑल्सो माउंटेनियरिंग ना बहुत कुछ सिखाता है जनरल लाइफ के बारे में भी. मतलब हम कितनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं एक बेड को या एक ब्लैंकेट को या रनिंग वाटर हॉट शावर. ये सब चीजें रेगुलर है ना. ये तो होता ही है. मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है. पर जब पहाड़ों पे जाते हैं जब वहां इतने दिन रहते हैं नहाए बगैर वो स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं कभी कभी धूप नहीं आ रही है बहुत ठंड है तब पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं. So this was our small journey. इतनी सी देर में मैं ज्यादा तो नहीं बता पाई पर जितना भी बता पाई आई होप आप सबको अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच.